दोस्तों आईपीएल 2024 का तीसरा मुकाबला और आज के दिन का दूसरा मैच केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच में खेला गया। और आज ये मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे केकेआर और हैदराबाद के मैच का पूरा रोमांचक हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी केकेआर और हैदराबाद की टीम के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि टाटा आईपीएल 2024 का आगाज हो चुका है और पहले दो मैच भी खेले जा चुके हैं, जिसके बाद में आज आईपीएल 2024 का तीसरा मैच केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर खेला गया, जहां का ये मैच दोनों ही टीम जीत कर आईपीएल 2024 का आगाज करना चाहती थी। वहीं आपको बता दें कि इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद में केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। केकेआर की ओर से फिलिप स्लॉट और सुनील नारायण पारी की शुरुआत करने के लिए। इन दोनों पर केकेआर को एक बेहतरीन अटैकिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पहले ओवर में इन दोनों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे ओवर में शॉट ने यानसेन के 3 छक्के जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सुनील नारायण आउट भी हो गए, जहां सुनील नारायण ने 2 रन बनाए। उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए वेंकटेश अय्यर, लेकिन वो केकेआर के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और उनको 7 रन के निजी स्कोर पर टी नटराजन ने आउट कर दिया। जिसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नटराजन ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को भी डक पर आउट करके केकेआर को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे दिए। लेकिन उसके बाद में फिलिप सॉल्ट और नीतीश राणा ने मिलकर केकेआर की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने संभल कर बैटिंग की और पावर प्ले समाप्त होने तक केकेआर को 43 रन पहुंचा दिया, वहीं 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन उसके बाद में नीतीश राणा ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और उनको 8वें ओवर में मयंक मारकंडे ने आउट कर दिया और केकेआर को 4th बड़ा झटका दे दिया। बता दें कि राणा ने केकेआर के लिए 11 गेंदों पर 9 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए दोस्तों रमनदीप, जिसके बाद में रमनदीप सिंह और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर केकेआर के स्कोर को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खासतौर पर रमनदीप सिंह, जी हाँ दोस्तों, आते ही हैदराबाद के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया और फिलिप सॉल्ट का अच्छा साथ निभा रहे थे। और इस तरह से 10 ओवर समाप्त होने तक केकेआर ने 77 रन बना लिए 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 10 ओवर के बाद में भी रमनदीप और सॉल्ट ने अटैकिंग बैटिंग करनी जारी रखी और केकेआर के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, जहां देखते ही देखते 12वें ओवर में इन दोनों ने केकेआर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 13वें ओवर में पैट कमिंस ने रमनदीप को आउट कर दिया और केकेआर को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि रमनदीप ने 17 गेंदों पर 35 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए रिंकू सिंह, जिसके बाद 14वें ओवर में फिलिप सॉल्ट ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद में वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 54 रन के निजी स्कोर पर मारकंडे ने सॉल्ट को आउट कर दिया। लेकिन उसके बाद में आंद्रे रसल और रिंकू सिंह ने मिलकर अटैकिंग मोड में बैटिंग की और बेहतरीन शॉट भी लगाए। खासतौर पर रसल ने आते ही हैदराबाद के गेंदबाजों को पूरी तरह से धोना शुरू कर दिया, जहां 16वें ओवर में रसल ने मारकंडे के 3 छक्के जड़ दिए, जिसके बाद हमें 17वें ओवर में इन दोनों ने केकेआर को 150 रन के पार पहुंचा दिया। रसल 200 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे दबाव पूरी तरह से हैदराबाद के गेंदबाजों पर नजर आ रहा था। वहीं 18वें ओवर में रिंकू और रसल ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद में 19वें ओवर में रसल ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। रसल ने 19वें ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़कर टोटल इस ओवर से 26 रन निकाल लिए। हालांकि लास्ट ओवर में जरूर रिंकू सिंह आउट हो गए, जहां रिंकू ने 23 रन बनाए और इस तरह से केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208 रन बनाए, जहां रसल ने केकेआर के लिए सबसे ज्यादा 64 रनों की बड़ी पारी खेली और इस पारी के दौरान रसल ने 3 चौके और 7 छक्के भी जड़े। वहीं हैदराबाद के लिए नटराजन ने 3 विकेट लिए। इसके अलावा मयंक मारकंडे को 2 विकेट मिले और हैदराबाद को जीतने के लिए 209 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद दोस्तों हैदराबाद की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल पाली की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों पर हैदराबाद को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हैदराबाद को ये स्कोर चेस करना था तो ओपनर्स का रन बनाना काफी जरूरी था। जहां दोनों ने शुरू में संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल के साथ पारी को आगे बढ़ाया, वहीं खराब गेंद मिलने पर उसका भरपूर फायदा भी उठाया। शुरू के 2 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 17 रन बनाए। खासतौर पर मयंक
सेठ अग्रवाल काफी बेहतरीन डिले में दिख रहे थे और अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और चौके छक्के भी छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर से बैटिंग कर रहे अभिषेक शर्मा मयंक अग्रवाल का काफी अच्छा साथ दे रहे थे और सिंगल डबल से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसके बाद में अभिषेक शर्मा ने भी अपने गियर बदले और पांचवें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के दो छक्के और एक चौका जड़कर ओवर से टोटल 18 रन बटोर दिए और अभी साझेदारी केकेआर के लिए काफी खतरनाक होती जा रही थी। लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट कर दिया और हैदराबाद को पहला झटका दे दिया, जहां मयंक अग्रवाल ने हैदराबाद के लिए 21 गेंदों पर 32 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए राहुल त्रिपाठी और इस तरह से पावर प्ले समाप्त होने तक हैदराबाद की टीम ने 65 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। वहीं अब केकेआर के गेंदबाज हैदराबाद को आसानी से रन नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से दबाव पूरी तरह से हैदराबाद की टीम पर आ गया था, जिसके बाद 8वें ओवर में आंद्रे रसेल ने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और हैदराबाद को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। यहां आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने हैदराबाद के लिए 19 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली और इस पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए कप्तान एडन मार्करम, जिसके बाद में मार्करम और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर हैदराबाद की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनाने शुरू कर दी। हालांकि शुरू में जरूर ये दोनों बल्लेबाज अपना समय ले रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में आखिरकार मार्करम ने एक चौका और राहुल त्रिपाठी ने एक छक्का लगाकर दबाव को कम जरूर किया और इस तरह से पहले 10 ओवर में हैदराबाद की टीम ने 99 रन बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर और अब अंतिम 10 ओवर में हैदराबाद को 110 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद त्रिपाठी और मार्करम ने 11वें ओवर में हैदराबाद को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 12वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने हैदराबाद के कप्तान एडम मार्करम को आउट कर दिया और एसआरएस को बड़ा झटका दे दिया, जहां आपको बता दें कि मार्करम ने हैदराबाद के लिए 13 गेंदों पर 18 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए हेनरिक क्लासन, लेकिन 13वें ओवर में सुनील नारायण ने राहुल त्रिपाठी को भी आउट कर दिया और हैदराबाद को एक और झटका दे दिया। बता दें कि त्रिपाठी ने हैदराबाद के लिए 20 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए अब्दुल समद ने हेनरिक क्लासन का अच्छा साथ दिया और अब अंतिम 6 ओवर में हैदराबाद को 94 रन चाहिए थे, जहां पर केकेआर का भारी नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद में हेनरिक क्लासन ने अपने गियर बदले और अपने ही मूड में बैटिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद में अब्दुल समद ने भी उनका अच्छा साथ दिया और कुछ बड़े हिट्स भी लगाए। लेकिन 17वें ओवर में अब्दुल समद को आंद्रे रसेल ने आउट कर दिया, जहां आपको बता दें कि समद ने हैदराबाद के लिए 11 गेंदों पर 15 रन बनाए और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए शहबाज अहमद, लेकिन 18वें ओवर में क्लासन ने 2 और अहमद ने 1 छक्का लगाकर टीम को लक्ष्य की ओर पहुंचा दिया। अरब अंतिम 2 ओवर में 39 रन की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर में स्टार को क्लासन ने बुरी तरह से धो दिया। खासतौर पर क्लासन ने इस ओवर में टोटल 4 छक्के जड़े और 26 रन इस ओवर से टोटल निकाल दिए। वहीं इसी के साथ में क्लासन की 50 भी पूरी हो गई और अब लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे। हालांकि 20वें ओवर की पहली गेंद पर जरूर क्लासन ने छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद में हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और अंतिम 5 गेंदों में सिर्फ 7 रन की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद में हर्षित राणा ने सबसे पहले शहबाज अहमद को 16 रन पर आउट कर दिया, जिसके बाद में इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लासन भी आउट हो गया और इसी के साथ में इस मुकाबले को केकेआर की टीम ने 4 रन से जीत लिया, जहां केकेआर के लिए क्लासन ने 63 रन बनाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से केकेआर की जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।